बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो इसमें ये कहा गया है कि ए आपको दिया गया है 1, 2, A और B, और साथ ये कहा गया है कि ए स्केयर की आपको वैल्यू दी जाती है। जहाँ भी आपको मिले ए स्केयर, आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है, ठीक है। तो पहली बात ये है कि ज़ाहरी बात है ए से हमने ए स्केयर में जाना है, क्योंकि उसकी वैल्यू दी गई है और ये कहा गया है आपने स्मॉल ए और स्मॉल बी फाइंड आउट करना है। तो ए हमारे पास मौजूद है, तो ए को हमने क्या करना है, ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर हमें जाके ए स्केयर मिलेगा। ये इसलिए वैल्यू दी गई है कि जब भी ए स्केयर बनेगा वहां पे हमने ये पुट कर देना है। तो ए हमारे पास ये मौजूद है 1, 2, A और B, तो ए के साथ ही हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। एक दफ़ा फिर लिखेंगे 1, 2, A, B। ए को मैंने ए के साथ मल्टीप्लाई किया है ताकि ए ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो हमें क्या मिलेगा, ए स्केयर मिलेगा। क्या मिलेगा, ए स्केयर। अब हम यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो पहले हम ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, पहले को पहले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं प्लस सेकंड वाले को सेकंड वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। पहली रो पहला कॉलम, अब पहली रो को पहले कॉलम के साथ, पहला पहले के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस दूसरा दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होगा, टू मल्टीप्लाई होगा बी के साथ। पहली रो पहला कॉलम ये आ गया, पहली रो दूसरा कॉलम ये आ गया। अब इसकी बारी है दूसरी रो पहला कॉलम, ए वन के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस बी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी ए बी। तो ये रो फर्स्ट कॉलम के साथ, अब इसी रो को सेकंड के साथ ए टू के साथ, टू यानी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा, बी बी के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते, ए स्केयर क्या उसने दिया है, 0, 0, 0। उसने कहा था कि जहाँ पे ए स्केयर आए आपने ये वैल्यू पुट कर देनी है। तो इधर क्या आया, इधर आया है 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 आएगा, 2 A के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 A आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 2 आएगा, 2 B के साथ 2 B। तो A 1 के साथ A, A B के साथ A B आएगा, 2 B के साथ 2 A के साथ 2 A, B B के साथ B का स्क्वायर। अब हमने क्या करना है, अब हमें वैल्यू चाहिए ए बी की, हमें वैल्यू चाहिए ए और बी की। अब हमें पता है कि दो मैट्रिसेस इक्वल हों, जब टू मैट्रिसेस इक्वल हों तो कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। फर्स्ट फर्स्ट के, सेकंड सेकंड के इक्वल होगा, थर्ड थर्ड के इक्वल होगा। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। यहाँ से हम इसे इसके इक्वल रख देते हैं तो हमें आसानी से क्या मिल जाएगा, ए मिल जाएगा। 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 2A, और यहाँ से हम ये सेकंड के इक्वल रखते हैं, 0 इज इक्वल टू 2 प्लस 2B, क्योंकि हमने वैल्यू फाइंड करनी है ए और बी की। पहली एंट्री पहले की इक्वल है, दूसरी इसकी एंट्री दूसरे की इक्वल है, तो हमें क्या चाहिए, ए चाहिए। तो ये प्लस 1 इधर आ क्या होगा, माइनस 1 होगा, 2A, 2 नीचे आ क्या होगा, डिवाइड होगा, तो हमें क्या मिल जाएगा, ए इज इक्वल टू -1/2। अब यहाँ से ये प्लस 2 इधर आ गया, माइनस 2 होगा, उधर क्या बच गया, 2B, हमें बी चाहिए तो 2 नीचे आके क्या होगा, डिवाइड होगा। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, बी का आंसर मिल जाएगा -1, ठीक है। बी का आंसर -1 है और इसका आंसर क्या है, -1/2। तो सेम इसी तरह पार्ट नंबर 9 है, पार्ट नंबर 9 ए आपको दिया गया है 1, -1, A और B, और साथ फिर कहा गया है ए स्केयर जहां भी आए आपने ये वैल्यू पुट करनी है 1, 0, 0, 1। पीछे क्या दिया गया था, ये चारों जीरो थे, तो वैल्यू फिर दोबारा क्या फाइंड करनी है, ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है। सिर्फ ये चेंज हुआ है, जैसे यहाँ पे 0, 0 था, अब ये वैल्यूज डिफरेंट है। तो जाहिर बात है ए स्केयर बनाएंगे तो फिर वैल्यू ये पुट होगी ना, तो ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करके तो क्या बनाते हैं, ए स्केयर। ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ए क्या 1, -1, A, B। ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करना, फिर ए लिखेंगे 1, -1, A, B। ए को ए के साथ मल्टीप्लाई किया, ए का स्केयर,
तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, पहला पहले के साथ वन वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो वन आएगा, माइनस वन ए ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए आएगा। पहले रो पहला कॉलम ये मैंने डायरेक्टली लिख लिया, ये रो अब सेकंड कॉलम के साथ वन माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस वन आएगा, माइनस वन बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस बी आएगा। ठीक है, तो अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ ए वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए आएगा, बी ए के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ए बी आएगा। तो अब इस रो इस कॉलम के साथ ए माइनस वन के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस ए आएगा, बी बी के साथ मल्टीप्लाई होगा तो बी का स्केयर आएगा। तो ए स्केयर की वैल्यू हमारे पास क्या मौजूद है, वो ऊपर मौजूद है 1001। तो इधर ये ए वन माइनस ए माइनस वन माइनस बी, ए प्लस ए बी माइनस ए प्लस बी का स्केयर। तो जब टू मैट्रिसेस इक्वल हों तो उसका मतलब ये है फर्स्ट एंट्री इसके इक्वल है, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती हैं, इक्वल होती हैं, तो हम इसे इक्वल रख लेते हैं, वन इज इक्वल टू वन माइनस ए। तो बी का आंसर निकालने के लिए सेकेंड कोरेस्पॉन्डिंग एंट्री इसके रखेंगे इक्वल, जीरो इज इक्वल टू माइनस वन माइनस बी। तो ए का आंसर यहाँ से निकालना है, तो अब ये देखिए बेहतर तो ये है माइनस ए ही है, इधर आके क्या होगा प्लस ए होगा, इधर आके क्या होगा प्लस ए, माइनस ए इधर आके प्लस ए, तो ए हमें चाहिए या प्लस वन है, इधर आके क्या होगा माइनस वन, इधर आके माइनस वन होगा। तो ए इज इक्वल टू वन से वन माइनस करेंगे तो जीरो आंसर आएगा, ए का आंसर क्या आ गया जीरो आ गया। उसके बाद यहाँ पे आए तो माइनस बी है, इधर आएगा तो इधर आके क्या होगा प्लस बी होगा, उधर क्या है माइनस वन, तो जीरो में बी ऐड करेंगे बी 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 ही आएगा। ठीक है, तो माइनस वन यहाँ से हमें क्या मिल गया बी इज इक्वल टू माइनस वन, और ए का आंसर हमें क्या मिल गया जीरो, ए का आंसर जीरो और बी का आंसर माइनस वन। ये जो 8 और 9 वाला है जो पीछे वाले किए हैं ना दोनों, ये दोनों पेपर में बार बार रिपीट होते आ रहे हैं। अब फिर कहा गया है ये अगर हमारे पास हो 1 माइनस 1 2 0 3 1, बी इज इक्वल टू 2 3 0 1 2 माइनस 1। अब हमने प्रूफ ये करना है ए में बी ऐड करें, ए में बी ऐड करें और उसका लें ट्रांसपोज, ए में बी ऐड करें उसका लें ट्रांसपोज, वो इक्वल आना चाहिए, ए का अलग ट्रांसपोज लिया जाए और बी का अलग ट्रांसपोज लिया जाए, दोनों को ऐड किया जाए। तो अब हमने ये प्रूफ करना है, लेफ्ट साइड इधर लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, क्या हमने फाइंड करना है ए प्लस बी को ऐड करके इसका ट्रांसपोज लेना, ये हमने फाइंड करना है। तो इधर हमने क्या फाइंड करना है, ए का अलग ट्रांसपोज लेंगे बी का अलग ट्रांसपोज लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, जो भी आंसर आएगा वही होगा जो इसका आंसर होगा। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, अब डायरेक्टली ट्रांसपोज नहीं ले सकते क्योंकि अभी हमारे पास ए प्लस बी नहीं, फिर उसका होल ट्रांसपोज है ना, पहले हम क्या फाइंड करते हैं ए प्लस बी, ए हमारे पास मौजूद है 1 माइनस 1 2 0 3 1, प्लस बी हमारे पास क्या मौजूद है बी है 2 3 0 1 2 माइनस 1, यहाँ से हमने वैल्यूज ली हैं ए और बी की वैल्यूज ली हैं ए प्लस बी। तो ऐड कैसे करते हैं, फर्स्ट को फर्स्ट में ऐड करते हैं, ठीक है, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को क्या करते हैं ऐड, फर्स्ट फर्स्ट में ऐड होगा, 1 2 में ऐड होगा तो 3 मिलेगा, माइनस वन और ये प्लस थ्री, प्लस थ्री में से माइनस वन करेंगे तो 2 मिलेगा, 2 प्लस 0, 2 में 0 ऐड करेंगे हमें क्या मिलेगा 2 ही मिलेगा। अब ये चौथी एंट्री चौथी के क्या होगी उसमें ऐड करेंगे 0 प्लस 1 1 ही होता है, 3 प्लस 2 क्या होता है 5 होता है, 1 ये देखें प्लस माइनस माइनस, 1 माइनस 1 0 होता है, 1 माइनस 1 क्या होता है 0 होता है। ये अभी तक हमारे पास क्या आया ए प्लस बी का आंसर आया, ए प्लस बी का, लेकिन उसने क्या कहा है कि इसका लेना है ट्रांसपोज, ए प्लस बी का क्या लेना है ट्रांसपोज लेना है। जब ट्रांसपोज लेंगे रो को हम क्या करते हैं कॉलम में चेंज कर देते हैं, 3 2 2, इस रो को भी कॉलम बना दें 1 5 0, ये हमारा आंसर है। दोबारा देख लें ए प्लस बी हमने फाइंड करना है, ए की वैल्यू पुट की प्लस बी की वैल्यू यहाँ से ली, पहला पहले में ऐड करेंगे 1 प्लस 2 3 होता है, 1 माइनस 3 ये देखें 1 माइनस 3 और प्लस 3, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 मिलेगा,
टू प्लस ज़ीरो टू ही मिलेगा, ज़ीरो प्लस वन वन ही मिलेगा, थ्री प्लस टू फाइव मिलेगा, वन माइनस वन ज़ीरो मिलेगा। तो उसका क्या ले लिया ट्रांसपोज। लेकिन यहाँ पे कह रहा है एक अलग ट्रांसपोज लें, ये हमारे पास ए है, ए का अगर आप ट्रांसपोज लेना चाहते हैं, ए का क्या लेते हैं ट्रांसपोज लेंगे तो आपने क्या करना है रो को कॉलम बना देना, वन माइनस वन टू, ठीक है। इस रो की आपने क्या, इस रो को क्या कर दिया कॉलम में चेंज कर दिया, इस रो को भी क्या कर दें कॉलम, जीरो थ्री वन, ये आपका गया ए ट्रांसपोज। इसी तरह बी ट्रांसपोज लेना है, बी का ट्रांसपोज जो बी आपके पास, इस रो का आपने क्या बनाना है कॉलम टू थ्री जीरो, इस रो का भी क्या बना दें कॉलम वन टू माइनस वन, ये आपके पास क्या आ गया बी का ट्रांसपोज। लेकिन उसने ये कहा है कि दोनों के ट्रांसपोज लेके उन्हें ऐड करने, यानी ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज दोनों को क्या करना है ऐड करना है। ए ट्रांसपोज आपको ये ऊपर दिया गया वन ज़ीरो माइनस वन थ्री टू वन, ये ऊपर से लिया, प्लस बी ट्रांसपोज ये ऊपर दिया गया टू थ्री ज़ीरो वन टू माइनस वन। तो ऐड करने का वही तरीका कार है, कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को क्या करते हैं ऐड करते हैं। तो ऐड कैसे करेंगे, ये फर्स्ट फर्स्ट में ऐड होगा, वन प्लस टू थ्री होगा, ज़ीरो प्लस वन वन होगा, ये देखें माइनस वन और प्लस थ्री, थ्री में से वन माइनस करेंगे टू मिलेगा, ये थ्री प्लस टू फाइव होता है, टू प्लस ज़ीरो, टू में ज़ीरो ऐड करेंगे टू ही रहना है, उसके बाद वन माइनस वन, ये देखें प्लस माइनस माइनस होना, वन माइनस वन ज़ीरो होता है। तो चेक कर दें ये दोनों आंसर सेम है, इसका मतलब ये दोनों साइड्स क्या हैं इक्वल, उसने ऊपर खुद ही कह दिया है कि ये दोनों इक्वल हैं, आपने क्या करना है प्रूव करना है, यानी आपने शो करना है ये क्या है इक्वल। तो यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर एट नाइन और टेन, इसमें कोई मसला है तो आपने नीचे कमेंट करके बता देना है। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।